हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, किसे कहते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम पेड कैपिटल एंड बाय विच इट्स आर्टिकल्स। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है जो रूल्स में चेंजेस होते हैं उसे प्रिस्क्राइब कहते हैं। प्रिस्क्राइब MCA के द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है क्या MCA ने मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब किया, तो आंसर इज नो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता प्राइवेट कंपनी को कम से कम 1 लाख से शुरू होगी, 50 लाख से शुरू होगी, तो नहीं, आप 10 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में 3 चीज़ होती है, रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन एंड प्रोविटेशन। तो चलिए अब हम देखते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या कंडीशंस है। फर्स्ट, रेस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में लिमिट्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स 200 ही हो सकते हैं एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी में। प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more persons होल्ड 1 or more shares इन अ कंपनी जॉइंटली, दे सेल फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। इसका मतलब जब कोई भी 2 आदमी एक या एक से ज़्यादा शेयर्स एक ही कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं जॉइंटली, तो हम उसे एक मेंबर ही ट्रीट करते हैं। इट इज़ फर्दर प्रोवाइडेड दैट फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, वे अ मेंबर ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट एंड हैव कंटिन्यूड टू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड। इसका मतलब वो पर्सन जो कंपनी में एम्प्लॉयर है और जो फॉर्मली एम्प्लॉयर थे, उन सभी को नंबर ऑफ मेंबर्स में काउंट नहीं किया जाता है। प्रोहिबिट एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। इसे ही हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं।